कुछ इस तरीके से गरम कोयले में देवता अवतरित होते हैं। तो कोयले में चले गए देखो, सबने आशीर्वाद दे दिया भाई, आज हर जगह से आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये कल मिशु को पता नहीं क्या हो गया था यार, रात में ना ये थोड़ा रो भी रहा था और पता नहीं, मुझे लगा बिल्ली ने काटा होगा इसको या तो गर्म पानी घिराया होगा किसी ने इस पर। तो बहुत सुस्त सा बैठा था, खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, और आज सुबह ठीक हो गया है ना मिशु। हाँ यार, मौसम सुबह का कुछ ऐसा ही है, हल्के हल्के बादल हैं, थोड़ी सी ठंड है, ठीक ठाक है मौसम। क्या तो दोस्तों, कल जैसे बैसाखी का पर्व था तो वैसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों में हरियाली का पर्व बोलते हैं, बैसाखी ही बोलते हैं बट लेकिन हरियाली बोलते हैं उसको। तो जिसमें मैंने कल तो वीडियो बनाई थी लेकिन वो डाल नहीं पाया था लंबी वीडियो होने के कारण, तो आज को मैं शाम के वाले पार्ट में डाल दूंगा। फिलहाल सुबह ऐसी नॉर्मल वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन हम क्या करते हैं, हरियाली में पूजन करते हैं, जो हरियाली उगाई रहती है पॉट्स में, और साथ साथ जो है अपने जो पितृ होते हैं उनकी भी पूजा करते हैं, उनको भी भोग लगाते हैं। और जो हमारी, जब हम एक महीने पहले आपको बताया था दी माता जी के बारे में, जो प्रकृति माता होती है उनको अपने किचन में रखते हैं, घर में रखते हैं, और उनको जब जब खाना बनता है सबसे पहले उनको अर्पित करते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। तो उनकी भी कल विदाई हो गई है। तो बाकी कुछ ऐसा है तो ये देखो कंडी में यहाँ पे चाची जी गोबर के खाद डालेंगी पूरे खेतों में, तो अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे इसमें घास वगैरह सब्जियाँ वगैरह उगेगी तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पत्थर ही पत्थर थे तो मिट्टी डालना ज़रूरी है, गोबर डालना ज़रूरी है, तब जाके अच्छा होगा। फिलहाल दोस्तों बारिश हो रही है और आज लाइट भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, मौसम हो गया थोड़ा सा ठंडा, तो कुछ ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है यार। और यहाँ पे अपने जो है मिशु और चुन्नू जो है आग के सामने बैठे हुए, इनको लग रहा है बहुत ठंडा है। मिशु क्या हुआ? दिन जो है घंटाकरण कैलाश जी अवतरित होते हैं, कैलाश भगवान अवतरित होते हैं, और किस तरीके से वो जो है जो कोयला, जला हुआ कोयला रहता है, गरम गरम कोयला रहता है, उसमें जाते हैं वो जब देवता अवतरित होते हैं। बिना इंसान जाएंगे तो पूरे छाले पड़ जाएंगे, पर जब देवता अवतरित होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, उसके बाद अगर वो जाते हैं कोयले में या किसी चीज़ में, तलवार से मारे खुद को या कोयले में जाए, तो कोई असर नहीं पड़ता उनको, कुछ भी नहीं। जब अवतरित, जब देवता उनके शरीर से निकल जाते हैं उनके बाद, उनको कुछ रत्ती भर का भी दर्द महसूस नहीं होता है अपने शरीर पे, अपने पैरों पे जो जले हुए होंगे, बट ऐसे। तो भाई जैसे कि आज हरियाली का भी त्यौहार है, हमारे गांव में हुई पूजा हुई, हरियाली उगाते हैं 15 दिन पहले, आज उगी भी है, और सब महिलाएं वहां पे हरियाली का त्यौहार मना रहे हैं। ये भाई हरियाली त्यौहार, हैप्पी हरियाली सबको, हरियाली की बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी हरियाली। ये देखो ये हरियाली उगा रखी थी, धन्यवाद सभी को, प्रणाम देने तरफ से आपकी तरफ से। हैप्पी हरियाली, हैप्पी हरियाली, हैप्पी हरियाली, हैप्पी हरियाली। सबने आशीर्वाद दे दिया भाई, आज हर जगह से आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये हरियाली है जो कि देखो कितने दिनों पहले उगा करके रखते हैं, और ये आज फुल हो जाए, फुलित हो जाती है ना। हाँ। और देखो कितना अच्छा होते, कितना अच्छा, वाह। धन्यवाद सबको, तो देखो भाई सब आ रखे हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे पीली साड़ी में आ रखे हैं,
शुभ त्योहार में पीले कपड़े पहनने पड़ते हैं। दादी जी भी आ रखी है। हैप्पी हरियाली दादी। हाँ, सारी दादी दूदी सब आ रखे हैं आज यहाँ पे। देखा यहाँ पे सुबह में सबसे पहले पूजा करके ना यहीं से गया था मैं गोविंद घाट। यहाँ पे देखो हमारे जो भूमियाल देवता रहते हैं, घंटाकरण देवता जी हैं, गणेश भगवान जी है, सबकी पूजा करते हैं और सब कुछ इस तरीके से एक एक कंटेनर में ऐसे देवता है या भूमियाल। अच्छा, और वहाँ पे अच्छा घंटाकरण देवता, जाग देवता और भूमियाल देवता, तो सारे देवताओं को पूजते हैं जो कि हमारे इस एरिया की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। तो जो रक्षा करते हैं तो उनकी जरूर पूजा होती है। देखो हरियाली के त्योहार से कुछ इस तरीके से पूजा होती है। देखिए हमने हरियाली लगा दी है जो कि आशीर्वाद औरतों ने, महिलाओं ने, दादी चाची सब ने दिया है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है। सभी लोग जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है अपना, पहाड़ी डांस डांकुड़ी आप कह सकते हैं, जिसमें सज धज करके आए हैं, तो भगवान को समर्पित जो ये गीत गाते हैं जो कि हरियाली करके, जो कि हरियाली को समर्पित है। जैसे बैसाखी होता है तो वैसे जो कि हरियाली आज का त्यौहार है। आज बैसाखी का दिन है, हरियाली का दिन है और आज के दिन हमेशा गाड़ू मनाया जाता है। जो देवता होते हैं वो स्नान लेते हैं, गाड़ू का प्रोग्राम होता है जो कि मैं पांडुकेश्वर गांव जा रहा हूँ और इसको मैं एक अगले दिन वाले ब्लॉग में डालने वाला हूँ क्योंकि आज का ब्लॉग गोविंद घाट का काफ़ी लंबा है, बड़ा है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ उसको अगले ब्लॉग में डालूंगा। ला दोस्तों चलते हैं, शाम के समय ही देवता गाड़ू लेते हैं और ऐसा हो सकता है कि जैसे घंटाकरण देवता हैं जिन पे आते हैं वो हो अंकल हैं, काफ़ी एज हो चुकी है उनकी, तो ऐसे में क्या करते हैं जो देवता होते हैं वो नए कैंडिडेट नए पशुआ ढूंढते हैं जो मतलब देखो देव शक्ति को महसूस मतलब झेल सके, है ना। तो ऐसे में देखने में मज़ा आएगा कि किस पे जो है नया पशुआ आएगा घंटाकरण भगवान जी का,
ये किसी को भी मालूम नहीं है, किसी पे भी आ सकता है। चाहे आप बाई चांस ऐसा होता है ना कभी कभी, मतलब जिस पे घंटाकरण का पसवा आना होता है कैंडिडेट, वो बाई चांस पांडुकेश्वर गांव में उस टाइम मंदिर में ना भी हो ना, वो कहीं खेल रहा होगा, स्कूल में होगा, कहीं भी होगा, अगर उस पे आना होगा देवता तो वो भागते भागते खुद उस जगह पे पहुंच जाते हैं ऐसे। तो जी पहुंच गए हैं, देखो मंदिर के प्रांगण में हम पहुंचने वाले हैं, वहाँ पे देखो गांव की भीड़ है। तो भाई चलते हैं मंदिर पे और आज देखते हैं भाई किस पे घंटाकरण भगवान जी जो है प्रवेश करेंगे, किसके अंदर करेंगे। भगवान उसी के अंदर जाते हैं जो उनको लगता है कि वो निभा पाएगा नियम कानून, कहीं इधर उधर खाना नहीं होता है, बड़े नियम से चलने पड़ते हैं, सख्त नियम होते हैं, तो भगवान खुद ही चूज़ करते हैं भाई। तो वही बात है, अरे सौभाग्य की बात होती है यार किस पे अवतरित होते हैं भगवान, है ना, वो बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत खुशकिस्मत इंसान हम मानते हैं उनको जिन पे देवता अवतरित होते हैं, तो वही बात है, कृपा बनी रहनी चाहिए भगवान की सब पे। चल तो भाई देखिए आसपास के गांव से भी ना काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं, जैसे छोटा बुल्ला भी आया है, ये कार्यक्रम फंक्शन वगैरह होते हैं। और सामने देखिए कुबेर भगवान जी के आप दर्शन कर लीजिए, खैर अभी गेट लगे हुए हैं श्री कुबेर मंदिर का। यहाँ पे भाई कुबेर भगवान जी के पसवा भी है, कैलाश भगवान जी के पसवा भी है, माता नंदा देवी जी के पसवा भी है। भगवान आते हैं, बीच वाले पे कैलाश भगवान और साथ में माता नंदा देवी पांडुकेश्वर। घंटाकरण देवता अगर अवतरित होते हैं और साथ साथ नए पशु आते हैं तो उनको प्रतीक्षा परीक्षा देने के लिए इन कोयलों में गरम गरम कोयले जिनमें अभी भी आग लगी हुई है उनमें चलना पड़ेगा, तो देखेंगे क्या होता है। देखिए भाई भीड़ में किसी पे भी आ सकता है पसवा, देखिए अब कैलाश भगवान बुला तो रहे हैं, कैलाश भगवान बुला तो रहे हैं, किसी को भीड़ में से दिख नहीं रहे यहाँ से। तो देखो भाई बीच में भीड़ में किसी पे भी आ सकता है, इन पे आ गए उनको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उन पे आएगा कुछ ऐसा है। माता नंदा देवी और कुबेर भगवान जी,
उन्हीं की तरफ इशारा है, बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, वो तो पता चलेगा कुछ देर में। जो यहाँ पे बैठे हैं उन पे दोस्तों, जैसे नए पशुआ आएंगे ना, तो तब तक वो बोल नहीं पाते जब तक भिंडार गांव के जो देवारी देवता हैं, देवारी स्थान है, देवारी राजा, उनके आशीर्वाद से ना जा पाए। तो हमारी एज के हैं जो भाई दिख रहे हैं नीचे, हो सकता है हमसे थोड़ा आगे पीछे उम्र के होंगे, छोटे जिला हमसे भी छोटे हैं वो, 23-24 साल के हैं। मैं देवता बुलाना चाह रहे हैं, बीच वार्तालाप हो रही है, समझ नहीं आ रहा। और अभी चेक करेंगे जो यहाँ पे आने वाले हैं घंटाकरण भगवान जी, वो चेक करेंगे उनके शरीर में अंदर आने के लिए, किसी पे भी आ सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी अंकल जी रो रहे हैं, किसी को भी समझ नहीं आ रहा। देखो तो भाई, देवता थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं जब आते नहीं हैं किसी पे घंटाकरण भगवान जी। कब आएंगे, क्या आएंगे, सब लोग इंतजार में बैठे हुए, सब लोग यहाँ से लेकर उधर तक, हर एक लोग जो है इंतजार में बैठे हुए हैं कब देवता उतर। अब देखो, अभी फिर किसी और पे भी पिठाई लगा दी है, सब पर लगा रहे हैं, मतलब उन जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से किसी पे भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी पे भी आ सकता है। जो अभी ऑरेंज कलर वाली शर्ट पे आने थे, अब उनके शायद बगल वाले पे भी कुछ हो रहा है। अभी सब पिठाई लगाने जा रहे हैं देवता पे, आएगा या इस पे आएगा वो किसी को मालूम नहीं रहता। हम समझते हैं कि हमें अंदाजा होता है कि उन पे आएगा, उन पे आएगा, बट ऐसा नहीं होता, आता किसी और पे ही है, जहाँ भगवान की इच्छा हो, देवता की इच्छा हो। अब देखो, अब किसी और पे आ रहा है भाई, देखो बगल वाले पे भी कंपन हो रहा है, देखिए जो आप देख रहे हैं ना सबसे आगे। भीड़ ना इंतजार में बैठी है भाई, सिर्फ इंतजार में, तब से इतनी ज्यादा भीड़, किस पे अवतरित होंगे किस पे नहीं, सब आवाहन कर रहे हैं। मना रहे हैं भैया देवता को, आ जाएं, किसी के अंदर भी आ जाएं, अवतरित हो जाएं। देखो सब, नंदा देवी, कैलाश भगवान, कुबेर भगवान, सब घंटाघर देवता जी दोस्तों बद्रीनाथ धाम के रक्षक माने जाते हैं। भाई टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया, लेकिन अभी किसी पे भी संभावना ही नहीं दिख रही है, तो अब जो है ये भुआकरे बजाएंगे। ये भी बजाना पड़ेगा, देवता अवतरित होना बड़ा आसान काम भी नहीं है, क्योंकि जो ये जो आज होना था वो कल हो जाना था, कल भी ऐसा ही हुआ, लेकिन किसी पे भी अवतरित नहीं हुए घंटाकरण भगवान। हो सकता है कोई कुछ बात हो, कुछ नाराजगी हो, कई चीज़ें हो सकती है, कुछ कंफर्मेशन नहीं रहती है, तो इंतजार कर रहे हैं आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जो पहले घंटाकरण पशुआ है वो यहाँ पे तो है नहीं खड़े, तो नहीं तो उन्हीं पे आता है, और वो बुजुर्ग काफ़ी हो चुके हैं भाई, तो इतनी क्षमता नहीं रहती कि उस वाइब्रेशन और उस एनर्जी को, देवताओं की एनर्जी को महसूस कर सकें, तो इसे नए पशुए की मतलब आवश्यकता रहती ही रहती है। तो देखो भाई, अब जो पंच जी है ना, वो पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं देवता से कि बात क्या हुए, बोल गए क्या परेशानी है, जो अवतरित नहीं हो रहे हैं घंटाकरण भगवान जी। तो भाई जो हमें समझ आया, देवताओं ने कहा कि अभी कार्य बढ़ाते रहो, वो भी कोशिश में है, तो ये तो बात हुई, तो इसलिए कार्य फिर से कंटिन्यू कर दिया। हो गया 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, कल भी ऐसे ही हुआ और कल भी अवतरित नहीं हुए, और आज भी अभी तक अवतरित नहीं हुए घंटाकरण भगवान।
पुकारना चाह रहे हैं, देखो कैलाश भगवान पुकार रहे हैं उनको, कुबेर भंडारी जी, माता नंदा देवी जी। तो कोयले में चले गए देखो। बताएंगे भाई, देवता ही कुछ बता सकते हैं क्या है क्या नहीं। तो भाई अभी तो किसी पे आए नहीं घंटाग्रहण भगवान जी, अब जो है जो कुबेर भगवान है वो यहाँ पे गाड़ू लेने के लिए हो चुके हैं तैयार। अब घट भाई जो घंटाग्रहण भगवान जी है ना वो कैलाश भगवान पे ही आ रहे हैं, क्योंकि उनको कोई पसपा नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि उनके भाई होने के नाते, करीबी होने के नाते सिर्फ कैलाश भगवान पे ही आ सकते हैं घंटाग्रहण भगवान जी। अभी जो आ रहे हैं घंटाग्रहण भगवान जी आ रहे हैं, कैलाश भगवान पहले आ चुके हैं, पहले कोयले में कूद चुके हैं, तो अब जो है घंटाग्रहण भगवान जी गरम गरम लाल। अंधेरा भी हो गया भाई, आज बहुत लेट हो गया। तो भाई यहाँ पे देखिए जो घंटाग्रहण का मंदिर है पांडुकेश्वर में ऊपर, तो कुछ ऐसा मंदिर है ये देखिए। यहाँ पे आप जब बद्रीनाथ धाम आओ तो जरूर दर्शन करके आप जा सकते हो, अच्छा सू रहता है। तो पांडुकेश्वर में यहाँ पे देखिए राम मंदिर भी है, श्री राम मंदिर है, और बाकी नीचे कुबेर भगवान जी का मंदिर है, और यहाँ पे घंटाग्रहण देवता जी का मंदिर है। दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, जब घंटाग्रहण भगवान जी किसी अवतरित नहीं होते हैं तो माना जाता वो कैलाश जो भगवान हैं उनके ही भाई हैं, ब्रदर हैं। तो देखो वो अपने भाई को बातें कह सकते हैं, अगर नया कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है तो घंटाग्रहण देवता जी, आपने देखा होगा कि उन्हीं पे आया, कैलाश भगवान पे ही आए थे घंटाग्रहण भगवान जी। तो जब घंटाग्रहण भगवान जब भी किसी पे अवतरित होते हैं ना, तो ज़रूर जो गरम गरम कोयले होते हैं, आग होती हैं, तो उसमें जाते हैं। अगर आग जलते हुए किसी पे आया होता तो वो भी कर लेते, कोयले में चलना, तीन बार कूदना, वो मतलब एक है कुछ चीज़ जो भी एनर्जी सकती है। तो आपने देखा भाई कि पैर बिल्कुल भी नहीं जलते हैं, कैलाश भगवान एक ही पसवे हैं कैलाश भगवान के, उन्हीं पे घंटाग्रहण देवता जी आए। तो कितनी बार वो कोयले में गए उसके बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं होता है, जैसे अवतरित होने के बाद जो है देवता उनके शरीर से चले जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई भी दर्द कुछ भी थोड़ा सा भी महसूस नहीं होता है भाई, क्योंकि सिर्फ वो जो देवता है वो अपने ऊपर ही ले लेते हैं अगर कोई दुख पीड़ा जो है पसवे पे होती है। तो ये है कुछ मतलब बहुत ही है मानने वाली बातें, तो ये चीज़ है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, पहले भी देखी है बट आप लोगों को फ़र्स्ट टाइम दिखाया है। सोच वैसे तो क्या होता है कि ना ऐसी वीडियो बनाना मुझे नहीं लगता कि बनानी चाहिए, बट मुझे लगता है कि अगर हम सही डायरेक्शन में अगर किसी चीज़ को समझा रहे हैं जो अगर दूसरों को समझानी चाहिए तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो हर किसी को हर किसी की फीलिंग या भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती ही होती है। तो यही है बस, आज का दिन ऐसा ही था। तो बस अब कब आते हैं नए पसवा ये कुछ आइडिया नहीं है, हो सकता है बद्रीनाथ धाम में आए, या हो सकता है कि अगले साल फिर बैसाखी के टाइम पे, या कुछ बीच में कोई ऐसा होगा, जो भी होगा हम आपको अपडेट देंगे। बताए क्या है कि मम्मी बना रही है खाना और आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो आज के ब्लॉग को भी एंड कर लेते हैं, समाप्ति कर लेते हैं थकान होने की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।